अरे मैं सो गई। Hey squad inserts, yo, squad is here. अब स्टार्टिंग वाली क्लिप तो आप लोगों ने देखी जहाँ पे भाई फेरो एक्सूट वाला बंदा आया हुआ था वो भी मैक्स आउट। तो मैंने आज सोचा क्यों ना ब्लड रेवन की जगह मैं भी फेरो एक्सूट पहन लूँ। तो आज फेरो एक्सूट वर्सेस फेरो एक्सूट देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, जो लोग भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भाई नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर कर लेना। अब स्टार्टिंग वाली क्लिप आपने देखी जहाँ पे भाई उस फेरो एक्सूट वाले बंदे ने मुझे नॉक कर दिया, वो छत पे चढ़ा हुआ था और मैं एक स्क्वाड से भाग के आया था। लेकिन पूरी सिचुएशन आपको आगे वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आज का गेम प्ले कहाँ से चालू हुआ, तो सबसे पहले आप लोग ये गेम प्ले एंजॉय करो और आगे चल के मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि भाई फेरो एक्सूट वाले बंदे के साथ फाइट हुई और उसके बाद क्या हुआ। फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ से पोचिंकी उतरे थे, पोचिंकी से जा रहे थे, भेलपुरी खा रहे थे, तभी भाई रास्ते में दो बंदे मिले। अब इन दो बंदों में से एक को मैंने नॉक कर दिया और उसके बाद सीधे उसे फिनिश कर दिया ताकि उसका टीममेट पैनिक हो जाए, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब वो बंदा पीछे की साइड आया, मैंने ग्रेनेड खोला, भैया ने यहाँ पे रस कर दिया था, तो इनकी भी बहुत इजीली पेटी बन गई और विक्की को यहाँ पे हम लोग बचा लेते हैं। अब आप लोग सोच रहे हो भाई फेरो वाला गेम प्ले कहाँ गया, तो आगे चल के आप लोग को कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा जिसे देख के आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। फिलहाल के लिए यहाँ पे हमने इन बंदों की पेटी बनाई, पेटी बनाने के बाद उसके बाद यहाँ पे हम लूट रहे थे क्योंकि यहाँ पे हमारे पे स्मोक वगैरह, ग्रेनेड वगैरह और बहुत सारी चीजें नहीं थी। तभी विक्की ने सामने की तरफ एक गाड़ी स्पॉट की, यूएस जो बंदा एक लेके भाग रहा था, तो यहाँ विक्की को मैंने कॉल दिया कि सीधे आ गाड़ी पे बैठ और हम लोगों ने सीधे कर दिया रस। अब आई थिंक सो वो जो बंदे हैं जो यूएस लेके गए हैं वो इन्हीं के टीममेट हैं। तो विक्की ने बोला रिकॉल पे जाएंगे, मैंने बोला अब वो लोग जाएंगे भी कहाँ क्योंकि ये वाले रिकॉल पे तो हम लोग बैठे हुए हैं। तो हम लोग भी इनके पीछे पीछे आए दूसरे रिकॉल पे और ये देखो भाई यहाँ कौन है। भाई साहब बंदे ने क्या ही जिगल देके मारा, लेकिन यूएमपी था, गॉड गन के सामने कोई नहीं टिक पाता भाई, मैं खुद नहीं टिक पाता हूँ भले ही मैं ग्रोजा यूज़ कर रहा हूँ, तो ये बंदा कैसे टिकता। तो यूएमपी था गॉड गन के साथ यहाँ पे विजयी होते हुए हम लोग और इन भैया को नॉक करके फिनिश कर दिया। अब इन बंदों को नॉक फिनिश करने के बाद विक्की को मैंने बोला कि तू पीछे वाला रिकॉल सेंटर चेक करके वहाँ बंदे होंगे तो मुझे कॉल देना और मैं जाता हूँ जॉर्जो वाले रिकॉल सेंटर पे। और उसके बाद मैं निकल पड़ा जॉर्जो की तरफ, और अब जैसे ही मैं जॉर्जो की तरफ जा रहा था भेलपुरी खाते हुए बकायदा अपनी, मुझे सामने से एक डासिया आती हुई स्पॉट हुई। फिर क्या था, ओपन में रोक दी गाड़ी और जैसा कि मैंने आप लोग को बोला सबसे पहले ड्राइवर को उतारो, और जैसे ड्राइवर उतरता है उसके बाद तो पूरी टीम की एल लग जानी है। तो यहां पे मैंने ड्राइवर को उतारा, उसके बाद भाई जो पीछे वाला टीम मेट था उसको बहुत इजीली उतार दिया। अब ये बंदा ऑल पे पता नहीं क्या बोल रहा था, चूंती है अकेले खेल रहा है सोलो वर्सेस स्क्वाड। तो यहाँ पे मैंने बोला ब्रो सोलो वर्सेस स्क्वाड नहीं हूँ, डुओ वर्सेस स्क्वाड है हम लोग, और इन भैया की भी यहाँ पे पेटी बना दी। अब इनकी पेटी बनाने के बाद हम लोगों ने इनकी पेटियाँ लूटी बड़े आराम से, स्मोक वगैरह करके जॉर्जो गए, हमें जॉर्जो में कोई नहीं मिला तो हम लोग वापस अपार्टमेंट्स आए। अब अपार्टमेंट्स में जब हम लोग वापस आए तो भाई अपार्टमेंट की साइड थे बंदे, तो हम लोग वहाँ पे गए नहीं क्योंकि हेलमेट और वेस्ट मेरा देख ही सकते पूरा लालम लाल हो के रखा है। मैंने यहाँ पे विक्की कॉल दिया हेलमेट वेस्ट ढूंढते हैं, और उसी टाइम पे भाई ड्रॉप आ जाता है और भाई ये देखो चालू हो गए अपार्टमेंट बंदे फिर से। अब यहाँ पे भाई आप लोग को एक बहुत शानदार स्प्रे देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे विक्की को मैंने बोला कि जा तू ड्रॉप लूट के आ, मैं इन बंदों को संभालता हूँ, तुझे मैं कवर फायर देता रहूंगा। तो ये बंदे भाई पूरे पूरे छत में मंडरा रहे थे, मैंने कहा रुको जरा सबर करो,
एंड इसी के साथ टपा टप दो हिट और बंदा नॉक। अब जैसे ही वहां बंदा नॉक किया भाई, पीछे की साइड से हमारी डासिया लेके एक बंदा भागा। अब ये एक बंदा था या फिर भाई पूरी की पूरी स्क्वाड थी पता नहीं, लेकिन कोनीसिक लेके ये बंदा भाई फुल स्पीड से यहाँ से भाग के गया। मैंने विक्की को कॉल दिया कि जा ड्रॉप लेके आ, ट्राई कर, क्योंकि यहाँ पे मैं तुझे कवर फायर दे सकता हूँ। अब ये देखो मैं यहाँ पे एम करके रखता हूँ, सामने की तरफ बंदे अभी भी मार रहे थे किसी को। फायदा यार। अब यहाँ पे विक्की जैसे ड्रॉप लेके आ रहा था उसके पीछे पीछे एक गाड़ी आ गई। हम लोग उस गाड़ी के पीछे पीछे गए, लेकिन वो गाड़ी वाले भैया तो पहली फुर्सत में निकल गए, और उसी टाइम पे शायद से अपार्टमेंट वाले बंदे यहाँ पे रिकॉल सेंटर पे आ गए थे। तो हम लोग यहाँ पे वापस से आते हैं रिकॉल सेंटर पे, और अब यहाँ पे भाई 3 से 4 स्क्वाड के बीच की फाइट देखो कैसी घमासान होती है। भाई सामने की तरफ एक स्क्वाड मैंने मारी, दो स्क्वाड आपस में फाइट ले रही थी, और यहां रिकॉल सेंटर में भी एक स्क्वाड थी। लो भाई, अब एक बंदा राइट साइड वाली वॉल पे था और एक बंदा लेफ्ट साइड से हम पे रस कर देता है, और विक्की को इस बंदे ने नॉक कर दिया। अब भाई यहाँ पे मैं फंस गया बिल्कुल बीचों बीच में। अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, क्योंकि राइट वे में बंदा भी आ सकता था और लेफ्ट वाला बंदा भी हम पे रस कर सकता था, और ग्रेनेड मॉली भी हम पे आ सकते थे। तो मैंने एक स्मोक किया सबसे पहले लेफ्ट में, और उसके बाद सामने की तरफ एक ग्रेनेड किया, राइट में भी एक स्मोक किया, वहां से फायर आया मेरे पे, और भाई जोन के बाहर भी फाइट अभी भी चालू थी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ग्रेनेड डाला, पीछे वाले बंदे आ जाएंगे तो लगेंगे। अब यहाँ पे विक्की को मैंने सबसे पहले तो रिवाइव दिया, दोनों साइड ग्रेनेड करके इन बंदों को रोका रस करने से, उसके बाद स्मोक करके विक्की को रिवाइव किया, पीछे साइड स्मोक किया, भाई मेरे मुंह के बगल से ग्रेनेड फेंका भाई उस बंदे ने। अब पीछे वाला बंदा तो जोन से नॉक हो गया। दो बंदे जोन से नॉक हुए, और वहां भी अब हम लोग बहुत देर से थे, हम पे ग्रेनेड वगैरह आ सकते थे। मैं पीछे के राइट साइड से रोटेट करता हूं। अब यहां पे देखो आप लोग को एक कितना प्यारा ग्रेनेड देखने के लिए मिलेगा। 3, 2, 1 एंड बूम। इसको बोलते हैं प्रिडिक्शन लेवल इनफिनिटी। 69,000 IQ के साथ ये वाला ग्रेनेड, अगर आप लोग को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दो, जो लोग भी नए हो जल्दी जल्दी चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अब यहाँ पे ट्विस्ट देखो भाई, यहाँ पे मैंने इन भाई लोग की तारीफ की, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ, अगर कोई बंदे सामने अच्छा खेलते हैं तो मैं उनकी तारीफ करता हूँ, भाई बहुत अच्छा खेल रहे हो। तो इस बंदे ने बोला थैंक यू भाई, उसके बाद बोला विक्की को नॉक किया था लेकिन फिनिश नहीं कर पाया क्योंकि आपने स्मोक ग्रेनेड कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने बोला कि भाई फाइट लो, अभी तक फाइट ले रहे थे, लेकिन उसके बाद भाई इसके टीममेट गन पीछे रख के घुस आते हैं, तो फिर मैं इन्हें मारता नहीं हूँ, फिर मैं बोलता हूँ कर ही लो यार मीटअप ही कर लो, लेकिन अभी तक ये फाइट ले रहे थे, तो एक्चुअल में ये चीज़ गलत है, लेकिन अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। फिलहाल के लिए मैंने इन बंदों को बोला कि तुम लोग गाइस घर में रहो, मैं फाइट लेके आता हूँ, फिर लास्ट में जो भी बोलोगे वो कर लेंगे। तो ये बेचारे बंदे आ रहे थे जोन के बाहर से, एक बंदा जोन से गया और एक बंदे को मैंने नॉक कर दिया। अब यहाँ पे जो बंदा जोन से गया था उसका तो मैंने किल ले लिया, और दूसरे बंदे को जिसको मैंने नॉक किया था आई थिंक सो उसका किल अभी तक मुझे मिला। लो भाई मिल गया। अब उसके बाद एक बंदा इधर से M24 चला रहा था, और यहाँ पे मेरे 5 के बुलेट ही पूरे खत्म। यहाँ पे विक्की ने मुझे बुलेट दिए।
अब यहाँ पे 3, 2, 5 बंदे सामने, 6 बंदे थे और एक बंदा अभी भी कहीं ना कहीं लेटा बचा हुआ था। मैंने यहाँ पे विक्की को बोल दिया कि भाई स्मोक के साइड वाले बंदे को मैंने फिनिश कर दिया, वहाँ पे कोई नहीं है। अब ये बचा हुआ था सामने M24 और ये भैया भी जंप करने लगे। मैंने कहा भाई चल क्या रहा यार सब, और भाई क्या ही बताऊं यार, इतने सारे मीटअप स्कैम हो चुके हैं उसके बावजूद भी मैं मीटअप करता हूं भाई आप लोगों से, क्योंकि आप लोग को मीटअप करने होते हैं भाई। तो यार उसके लिए गाइस एक लाइक कर दो। इतना स्कैम होने के बावजूद अपन लोग अभी तक मीटअप कर रहे हैं। दूसरे यूट्यूबर लोग तो भाई सीधे बोल देते नो मीटअप्स, और कोई भी जंप करता है पेटी बना देते हैं भाई उसकी। लेकिन भाई यहाँ पे हम लोग किए मीटअप, एक टीम दो टीम, मतलब जिस टीम का भाई नॉक कर दिया बंदा, जो टीम फाइट ले रही उससे तक मीटअप किया भाई। अब उसके बाद यहाँ पे इस टीम का ये बंदा बोलता है भाई यार मेरे साथ पैन फाइट कर लो, तो मैंने इससे पैन फाइट किया और इसे नॉक कर दिया। अब मेन ट्विस्ट तो ये देखो, यहाँ पे एक बंदा सोलो अलग था, 3 बंदे अलग थे, 2 बंदे हम अलग थे। मैंने बोला ठीक है गाइस तुम लोग चिकन ले लो, इन्होंने बोला रैंक पुश कर रहे हैं। तो जो 3 बंदे थे उन्हें भी चिकन चाहिए था, सोलो वाले को भी चिकन चाहिए था, और देखो एक्चुअल में हुआ क्या भाई साहब, पूरा गेम ही पलट गया भाई। वो सोलो बंदा जो पेड़ के पीछे था वो बंदा चिकन ले गया भाई, सीन ही गलत हो गया। उन 3 बंदों को एक्चुअल में चिकन चाहिए था, उन्होंने कहा था कि वो रैंक पुश कर रहे हैं, लेकिन भाई गलत ही हो गया। अब यहाँ पे भाई हम मैं बता देता हूँ फेरो एक्सूट वाले सीन में क्या हुआ था। देख लो हम लोग उतरते पोचिंकी पे, पोचिंकी पे हमारे अलावा और भी बहुत सारी स्क्वाड आ जाती है। यहाँ मुझे स्कारल मिली और उसी टाइम पे भाई पीछे की साइड बंदा नहीं जो भी है पता नहीं कौन है। अब इन भैया भाग रहे थे तो इनको मैंने नॉक किया, मधु दीदी है ये, तो मधु दीदी को मैंने नॉक किया और तभी पीछे से यूएमपी चली तो मैं अंदर के साइड आया। अब पीछे की साइड M4 चल रही थी, नॉक किया था किसी बंदे ने, मैं पीछे की साइड गया और ये देखो इसको डैमेज किया, सामने बंदा जंप करने लगा, मैंने इसे छोड़ दिया और जंप किया मैंने, और अब ये देखो भाई यार हो गया ना गलत सीन। अब पीछे के साइड से यूएमपी से उस बंदे ने मुझे नॉक कर दिया, लेकिन भाई ये बंदा जो जंप कर रहा था मीटअप के लिए भाई मानना पड़ेगा भाई यार, बींग हसन भाई यू शाउट आउट टू यू मेरे भाई। इस बंदे ने समझा कि भाई इसकी गलती कारण मैं नॉक हो गया हूं, तो इसने बचाने का पूरा ट्राई किया अपना पूरा का पूरा। तो भाई ये ऐसा भाई मजा आ जाता है, इसी कारण से मैं गाइस मीटअप्स करता हूँ भाई। कितनी भी बुरी सिचुएशन हो, कितने भी स्कैम हो गए हो, फिर भी मैं आप लोगों से मीटअप करता ही हूँ जिनको भी करना होता है। अब यहाँ पे भाई पीछे वाले बंदों ने हम पे रस कर दिया, तो मैं पीछे साइड भाग के आ विक्की को भी मैंने कॉल दिया कि पीछे साइड आ जा, और हम लोग यहाँ पे पीछे साइड गए। हमें बिल्कुल नहीं पता था कि भैया वो फेरो एक्सूट वाले भैया यहाँ आ चुके हैं। किस्मत देखो मैं यहाँ पे आया हील करने बैठा और वो बंदा फेरो, लो भाई आ गया फेरो एक्सूट, ये बंदा आ गया भाई और छत में चढ़ा हुआ था भाई बंदा इतनी भीड़ में। अब यहाँ पे विक्की मुझे रिवाइव दे रहा, क्या लगता है आप लोग को, क्या फेरो एक्सूट वाला हमें हमारी पेटी बना देगा या फिर भाई हम लोग फेरो एक्सूट की पेटी बनाएंगे, जल्दी कमेंट करो। लो भाई कर लो कमेंट, फेरो एक्सूट वाला बंदा आया और अंदर आके जंप करने लगा। मैं इसे ऑल पे बोल रहा था भाई मत करो जंप, फाइट ले लो, लेकिन भाई इसने मीटअप ही कर लिया, पूरा सत्यानाश हो गया भाई यहाँ पे। अब पीछे साइड एक बंदा आ गया था, तो वो मैंने उसे डैमेज देने का ट्राई किया। यहाँ पे फेरो वाला बंदा जो बचा हुआ था, मैंने इसको बोला कि ब्रो यार अब क्या किया जाए, यहाँ पे चारों तरफ से हम लोग घिरे हुए थे, मेरे पे वेस्ट नहीं थी और भाई एस्कारल में सिर्फ और सिर्फ 22 बुलेट थी, तभी पीछे से बंदों ने रस कर दिया। और अब यहाँ पे भाई विक्की ने उन 2 बंदों को भर दिया, मेरी स्कारल की बुलेट पूरी उड़ गई हवा में, और पीछे के साइड से यूएमपी वाले भैया ने यहाँ पे बना दी विक्की की पेटी। और उसके बाद यहाँ पे जब हम लोग स्पेक्टेट करते हैं तो ये भैया निकलते हैं फेरो वाले के ही टीम मेट, सत्यानाश हो गया पूरा का पूरा कसम से भाई। बहुत अच्छा गेम प्ले बन सकता था ये, लेकिन भाई अब क्या कर सकते हैं गाइस। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि आप लोग को क्या लगा था कि ऐसा हो सकता है, या फिर भाई आप लोग को लगा था कि फेरो वाला बंदा रस करके मुझे मार देगा या फिर मैं उसे मार दूंगा, लेकिन उल्टा ही हो गया। फिलहाल के लिए आज का गेम प्ले आप लोग को कैसा लगा कमेंट्स में बताना, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। मिलते हैं एक और नए कमाल की वीडियो में, टिल देन सायनारा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।